भीड़ भाड़ से दूर नज़ारों से भरपूर है दार्जिलिंग का ये घूम म्यूजियम, जो कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन के पास में है। अपनी तरह का यह पहला म्यूजियम पिछले 200 सालों में घूम रेलवे स्टेशन के इतिहास के बारे में बताता है। यहाँ आपको 1883 के रेलवे टिकट भी देखने को मिलेंगे। तो आइए भारत का इस ऐतिहासिक म्यूजियम का हम लोग दौरा करते हैं। अगर आपने दार्जिलिंग में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए चुना है तो फिर सोच लीजिए, दार्जिलिंग के पास स्थित घूम वो जगह हो सकती है जहां आप अपनी छुट्टियां शांति से बिता सकते हैं। तो चलिए घूम रेलवे स्टेशन के पास में स्थित यह घूम म्यूजियम आज हम लोग देखते हैं और इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में दार्जिलिंग में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के कारण लोग दार्जिलिंग से दूर घूम में अपनी छुट्टियां बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। घूम के बारे में लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि ये 7407 फीट पर स्थित यह भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। और म्यूजियम पहुँचने से पहले यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की ट्रेन की कुछ बोगियाँ और सामने उसके जानकारी में लिखा हुआ ये पोस्टर और ये बोर्ड देखने को मिलेगा कि ये कौन सी बोगी है और इसका इतिहास क्या है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग घूम म्यूजियम पहुँचेंगे। ये देख सकते हैं ये सीढ़ी लकड़ी का बना हुआ है और यहाँ पे ऊपर पहुँचने के बाद ऊपर से कुछ इस तरीके का सीन आपको दिखाई देगा। ये मैं आपको इस तरफ एक साइड का सीन दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए रोड है और उसके नीचे ये पहाड़ है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और दूसरी तरफ ये रेलवे स्टेशन जो घूम म्यूजियम है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है ये। अभी हम लोग अंदर चलते हैं और जानते हैं अंदर में क्या कुछ खास है। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध द दार्जिलिंग हिमालय रेलवे की स्थापना 1879 में रखी गई थी जब इस पहाड़ी इलाके में पहली बार ट्रेन की पटरियाँ बिछाई गई थी। यह रेलगाड़ी 1881 तक घूम स्टेशन पहुँच गई थी। और कुछ ऐसी ही जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग तरह की पहले की 200 साल की पहले की इतिहास की जानकारी यहाँ पर है, ये देख सकते हैं। और इसके अंदर जाने पे हमें कुछ और डिटेल में जानने को मिलेगा। तो ये तो बाहर का हो गया सीन, आप देख सकते हैं कि जैसे एक फ्रेम में लगा कर रखा गया हर एक फ़ोटो को। यहाँ टॉय ट्रेन के बारे में बताया गया, जैसे लिखा गया टेक ए टॉय ट्रेन राइड टू द क्लाउड, और उसका एक्सपीरियंस के बारे में भी शेयर किया गया। तो कुछ ऐसे था है ये बाहर का म्यूजियम। अभी हम लोग अंदर जाकर भी देखेंगे कि अंदर में ये कैसा दिखता है। अगर आज भी सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग से घूम किया ट्रेन लेंगे तो आपको वर्षों पुराना असाधारण तकनीक कौशल का नमूना देखने को मिल सकता है। और म्यूजियम के अंदर आने पे ये आपके ट्रेन की मॉडल और अलग अलग तरह की पहले की ट्रेन, ट्रेन टिकट और पहले कैसे ट्रेन दिखता था उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में यहाँ आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगा। तो दार्जिलिंग से 7 किलोमीटर दूर इस छोटे से शहर में घूम सोचा जाए तो दार्जिलिंग और इस पूरे इलाका का इतिहास बसा है। भारत के इतिहास में दार्जिलिंग ने अहम पन्ने लिखे हैं। यहाँ आने वाले लोगों को बस भारत के इतिहास के बारे में ही नहीं पर प्रकृति की असीम सुंदरता के बारे में भी बताता है घूम। दार्जिलिंग से घूम जाने वाली रोड को वर्षों पहले हिल कार्ट रोड का नाम दिया गया था। ये देख सकते हैं पहले का कैसे ट्रेन जर्नी करते थे लोग और पहले ट्रेन कैसे दिखता था, ये दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन का है ऊपर में दिखाया गया। तो अलग अलग रेलवे स्टेशन का और अलग अलग तरह का, ये सुभाष चंद्र बोस जब आए थे दार्जिलिंग तो उस समय का यह फ़ोटो भी यहाँ पर लगाया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ के रोड को वर्षों पहले हिल कार्ट रोड का नाम दिया गया था। इस रोड से आज भी दार्जिलिंग, घूम और सिलीगुड़ी जुड़े हुए हैं और आज भी ये छोटी सी रेल लाइन स्थानीय लोगों के लिए, संपर्क के लिए उतना ही जरूरी है जितना वर्षों पहले थी। तो दोस्तों, भारत का यह अनोखा म्यूजियम घूम रेलवे स्टेशन के साथ ही है और अपनी तरह का यह पहला म्यूजियम पिछले 200 सालों में घूम रेलवे स्टेशन के इतिहास के बारे में बताता है। यहाँ आपको 1883 के रेलवे टिकट भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ पुरानी चेयर भी उपलब्ध है और चरखा भी,
जिसे यहाँ छूने से और इसे टच करने से मना किया गया, और कुछ ड्रेस भी है, और साथ ही वो सबसे पुरानी मशीनें भी देखने को मिलेगी जो इस पहाड़ी इलाके तक स्टीम इंजन पहुंचाने में मददगार रही है। और ये अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप ऑफ द रेल का प्रोफाइल है जो DHR सेक्शन में है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के यह प्रोफाइल भी शो किया गया है। आपको पुरानी फोटोग्राफ भी देखने को मिल सकती है जो दर्शाती है कि किस प्रकार पिछले 200 सालों में इस जगह का इतिहास बदला है। और 1999 में फेमस नैरो गॉज टॉय ट्रेन को दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया गया, और इसके एक साल बाद ही द घूम म्यूजियम बनाया गया जो अभी हम लोग देख रहे हैं। ये 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ के पर्यटक के लिए ओपन किया गया था। और ये घूम म्यूजियम 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक खुला रहता है, और फिर 1:30 बजे से 2 बजे तक इसका ब्रेक रहता है, और 2 बजे के बाद फिर ये ओपन होता है और 4 बजे तक खुला रहता है। 4 बजे के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। और यहाँ का जो एंट्री फीस है वो 20 रुपीज पर पर्सन है। तो दोस्तों, ये था भारत का ऐतिहासिक घूम म्यूजियम। तो यदि आप भी ऐसे कुछ प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक जगह के बारे में देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।